नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवान्या ठाकुर। मैनपुरी के थाना क्षेत्र ओंछा के ग्राम देवपुर के रहने वाले भाजपा बूथ अध्यक्ष पन्नालाल का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौधरी। जनपद मैनपुरी के थाना ओंछा क्षेत्र के ग्राम देवपुर निवासी भाजपा बूथ अध्यक्ष पन्नालाल उम्र 60 वर्ष संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक मृतक पन्नालाल कल सुबह बाजार की कहकर घर से निकले थे। घर वापस न लौटने पर घर वालों को चिंता हुई तो परिजनों ने मृतक की तलाश शुरू कर दी, पर मृतक का कोई पता नहीं चला। आज सुबह मृतक का शव गांव से कुछ ही दूर नदी के किनारे मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आपका नाम? गाँव देवपुर। आप यहाँ आज पोस्टमार्टम आए हैं, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ है? मामला का कल जो बाजार आए थे मैनपुरी। कौन? पिताजी हमारे। क्या नाम है उनका? पन्नालाल। पन्नालाल उम्र? उम्र हो गया करीब 58-60 के लगभग। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था? तो बाजार आए, बाजार तो हम जैसे सोच थे कि जो मैनपुरी रुक जाता है या रुक गए वहीं मैनपुरी। तो हम लोग नदी लोग देख गए एक बार, तब तक जो ना मिले। फिर सुबह जब गाँव के लोग लेटर करने नदी गए आए तब बताई हमें कि अरे सुबह देखा गया है ना। सुबह देखो तो किसी के नाम FIR दी आपने? नहीं। अज्ञात में? अज्ञात में।